हमने फाइल कंप्रेशन करना है, ओके। तो फाइल कंप्रेशन में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके तकरीबन एमसीक्यू में 3-4 क्वेश्चन से बिजी है, और वो भी डाटा है, इट बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक फाइल है, ठीक है, और उस फाइल में जी ये 2-3 ही कैरेक्टर है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ओके, ये 5 कैरेक्टर। और लेट्स से ए जो है वो 15 दफा आता है, बी जो है वो लेट्स से 19 दफा आता है, ये 200 दफा आता है, ये लेट्स से 7000 दफा आता है, और ये 60000 दफा, या ये भी 60000, ठीक है। सवाल ये है कि इस फाइल का साइज कितना होगा, और प्लस 200 प्लस 19 प्लस 15 कितना हो गया, 34 हमने इसका फाइल कंप्रेसर बनाया है, कैसे कंप्रेस करते हैं इसको, बेस में जाएगा ना, इसको बेस में कन्वर्ट करना चाहिए, तो बेस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, सही बात है, समझ गए, हां समझ गए, ज्यादा होते हो, हां ज्यादा होते हो, हर करेक्टर के अगर उसकी बिल्ड कंडीशन यहां पे लिख दे, हां एक बनाओ नहीं उसके लिए इंट कर देना, हर ना बट के लिए बिट क्लीन कर लें उसकी, जैसे ये के लिए सपोज 1 एक ही है सर, हर करेक्टर को एक बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, हर करेक्टर को एक बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आस्की में रिप्रेजेंट करते हैं, हां नहीं वो पहले ही आस्की वैल्यू से हो रही है, वो पहले ही आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रही है, तो ये बात मतलब कि क्लास में कुछ कहा 0 1 की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हां 0 1 की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में रखते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, फिर हम इसको 1 0 कर देते हैं, इसको हम 1 1 कर देते हैं, इसको 1 1 10 से, लेकिन इसमें आपने चीज सबको ट्रिपल कर तो जो भी हम कंप्रेशन बनाएंगे हमें आप मेक श्योर करना कि हमने उसे लॉसलेस बनाना है, उसे वापस भी करना है, ठीक है। कुछ कंप्रेशन होती है जो कि लॉसी होते हैं, लॉसी का मतलब यह है कि वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। आप ऐसे इमेजेस देखेंगे, इमेजेस को जब कंप्रेस करते हैं तो दोबारा से वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ले जाता, वो लॉसी कंप्रेशन, ये समझ में आ रही बात है, ठीक है। बड़ी एसेंशियल ये पॉइंट होता है यार, ये इससे लगा रहा हूँ, ये टेस्ट फाइल थी, इसमें ए कई जगह पे लिखा हुआ था, फिर यहाँ बी बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ, डी सी ई बहुत सारी, ये एक फाइल थी जिसके अंदर ये सारे कर सकते हैं, इन डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर, ठीक है। हमारा टारगेट ये है कि इसकी ये जो है ना ये है फॉर एग्जाम्पल टी फॉर सही देवा डॉट ये इसकी फाइल है, हम करते हैं ये टी फॉर टी डॉट जिन फाइल, ठीक है, मारा भी होता है, ठीक है।
ऑल है, ये हम कहना चाहते हैं। तो ओवरऑल टारगेट ये कि हमने एक्चुअली जो विम की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया, ऑल है। तो इसको कैसे बनाया ये सवाल है। इसका नंबर डिजिट सिंगल करते हैं, इसको 00 0 फिर करते हैं 00 1 करते हैं 00 क्या मसला है 26 कैरेक्टर्स है, तो अगर आप तब तीन दिन के चार हां तो आप डिसाइड करें आप तीन होने चार होने ये साइड से एक समझ नहीं हुआ था क्या अगर 26 कैरेक्टर बजट सेट कर दो तो कितनी बार निकाल देंगे तीन बार के चार जो भी मैक्स तो मैं बोल रही हूं कि वो हो गया 26 करना पड़ेगा फिर क्या 26 नहीं करना पड़ेगा पहले जीरो आपको पूरा रिप्रेजेंट करने के बाद भी बड़े समझ नहीं आ रहा भाई बात ये तो आप साइज बढ़ाते जा रहे नहीं रहेगा बड़े हो सर 255 तो स्पेशल कैरेक्टर है यस सर 255 वो तो बिट 8 बिट से एक बाइट से बढ़ के तो उसके वो एक कैरेक्टर इतने बाइट्स में देखो वो एक कैरेक्टर ही बन जाएगा दोबारा से ज्यादा साइज हो जाएगा यस सर ये हो तो समझ में आ रही बात ये तो कोई हमें ना अगर हम इसका मतलब है कि हम प्रोफेशन नहीं कर सकते ठीक हो अगर हमारे 2d6 की 2d6 कट रहा फिर तो हम वहीं पे चले गए सारे लेटर्स चाहे एक दफा ही आ रहे होते सिर्फ ए जो है वो बिलियन दफा आ रहा था तो भी आप भी कंप्रेशन नहीं आप कह रहे जी साढ़ा भी इधर काम नहीं करता ठीक है हमारा मंजिल तभी काम करता है जब सिंबल बहुत काम ठीक है लेकिन ये नहीं आता और समझना है इससे बेटर ठीक है ऑलराइट मसला क्या था जो पहली हमने रिप्रेजेंटेशन बनाई थी हर्ष के जो हम अगर हम पहले पहले को जीरो साइन करते हैं उसको वन साइन करते हैं तो मसला क्या आ रहा है ये तो डिकोडिंग क्या डिकोडिंग इशू आ जाएगा हां डिकोडिंग इशू और एक्चुअली से कहते हैं इसके लिए वर्ड यूज होता है कहते हैं प्रीफिक्स भी ये कोई भी कोडिंग दूसरी कोडिंग की प्रीफिक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रीफिक्स होगी तो फिर मसला फिर कंफ्यूजन कि मैं इसको साइन करूं या ना करूं होता है वो तो अगर एक इनकोडिंग दूसरी इनकोडिंग की प्रीफिक्स हो तो फिर हम उसकी इनकोडिंग नहीं कर सकते बस नहीं सो इनकोडिंग व्हाटएवर इनकोडिंग यू कम अप विद इट हैज टू बी प्रीफिक्स फ्री प्रीफिक्स का रीजन मतलब क्या है वैसे तो ये फ्री होता है ना मतलब जो प्रीफिक्स होता है हां पहले जो ऊपर वाला हो उसका स्टार्ट का और नीचे वाला फिक्स हां प्रीफिक्स होता है किसी भी वर्ड का जैसे प्रीफिक्स होता है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई वर्ड बता दो उसके इससे पहले क्वेश्चन पूछ लेगा वर्दी वर्दी से पहले ट्रस्ट वर्दी लगा दो ट्रस्ट उसका ये प्रीफिक्स है या राइट अब देखो ट्रस्ट और वर्दी दो अलग अलग वर्ड है अब मसला ये है कि अगर वो डिक्शनरी में आप स्पेसेस खत्म कर दें तो इनको इनको हम कुछ नहीं कर सकते अब वहाँ पर ट्रस्ट वर्दी लिखा होता है या ट्रस्ट स्पेस वर्दी लिखा होता है हमें क्योंकि वो एक दूसरे प्रीफिक्स एक वर्ड दूसरे वर्ड का प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स भी होना जरूरी होता है ठीक है डज इट मेक सेंस ऑल राइट प्रीफिक्स होता है किसी भी वर्ड का शुरू में पूछता है ठीक है जैसे हमारे यहाँ आपका जो वर्ड है अब्दुल्ला और इस तरह करके अब्दुल रहमान ये एक्चुअली प्रीफिक्स है ठीक है ऑलराइट तो सो द थिंग इज कि जो भी हम इनकोडिंग बना रहे हैं इट हैज टू बी प्रीफिक्स ठीक है चलो आगे बाद में ये क्या कह रहा है हमारी ये फाइल साइज को बता रहे हैं फाइल साइज हमारी क्यों
क्या है बोलो छह ये हर करेक्टर पे जा रही होती है स्ट्रांग से उनका सम करी जा रहा है किसी एक रेंज से बता हाँ ये क्या जो भी तुम इनकोडिंग बनाओगे उस इनकोडिंग का इनकोडिंग करने के बाद जो कंप्रेस फाइल होगी जिप फाइल उस जिप फाइल का साइज कितना है और वो साइज कितना होगा जितनी दफा आपका एक लेटर आया तो मेरी इस इनकोडिंग का साइज पता क्या होगा यानी मेरी zip फाइल का साइज पता कितना होगा 15 टाइम ए आया है वो कितनी बिट्स पर रिप्रेजेंट होगा वो 1 बिट में रिप्रेजेंट होगा जो कि 0 है 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है और कितनी बिट्स उसके अलॉट हो जाती है 15 फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय जो उसको इनकोडिंग ऑफ ए का साइज ये जो कितना 1 ये कितना आएगा ये 15 टाइम्स 1 और सब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आ जाएगा टाइम इनकोडिंग ऑफ बी का साइज ये कितना आएगा 19 इनकोडिंग ऑफ बी का साइज को वो कहता है रेट है ठीक है ये कितना आ रहा ये हो जाएगा 19 टाइम 1 ये जब सब सारा सम करने के लिए जो क्या निकल रहा ये बिट्स निकलेंगे ये आपकी बिट रिप्रेजेंटेशन आ रही है किस चीज की टोटल फाइल साइज टोटल फाइल साइज Let me tell you the idea of the file compression. We will about to tell you a ये जो मैंने encoding लिखी है forget it कि ये क्या थी prefix free थी यानी थी I would suggest कि इससे बेहतर पहले भी हो सकता है yes जितने तो खामोश खामोश हाँ जी आरएस बताओ बल्कि मलहार आप बताओ सवाल यह है कि जब अभी हमें आरएस ने recording बताई थी कि ए को मैं 0 करता हूँ बी को मैं 1 कर देता हूँ और सी को मैं 1-0 कर देता हूँ मैं कह रहा हूँ उससे बेहतर हो सकती है क्या बेहतर हो सकती है हाँ बताओ इससे बेहतर किया जा सकता है फिर जो क्या इससे बेहतर इनकोडिंग हो सकती है एक फाइल जिप का साइज और छोटा यहाँ पे ना 13,234 बिट का साइज आता है ना ऐसे ही है ना मगर नहीं सॉरी ये तो सिर्फ वर्ड है जो फाइल साइज आएगा वो उसको मल्टीप्लाई बाय 8 करना तो तकरीबन कितना होने वाला है 13 के भी मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा नहीं कितने बाइट्स की हो जाएगी ना 13 किलो बाइट्स की हो जाएगी और बिट रिप्रेजेंटेशन में देखें तकरीबन कितनी बन जाएगी यू लाइक 13 टाइम 8 बिट्स पर ठीक है 13,000 ठीक है एक्चुअली 13,000 भी नहीं है 13,234 समथिंग ठीक है जी इससे बेहतर हो सकती है हो सकती है पूछा तुम लोग खामोश हो जाओ तुम लोग सबर बैठो हाँ जी इससे बेहतर हो सकता है कैसे आंसर सर इसको कितनी बिट्स चाहिए आंसर तो 15 तो दफा ही आया था ये है सिर्फ फ्रीक्वेंसी ये है लेटर आर
ठीक है, ये लेटर आई है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ए लेटर इस फाइल में कितनी दफा है, 15 दफा है। बी लेटर कितनी दफा है, 19 दफा है, दैट्स ऑल। ठीक है, हां जी, अब बताएं सबसे ज्यादा दफा है उसको जीरो से सेवन। शाबाश, ठीक है, पहुंच ही गई आपने। इधर ये बड़ा ओके, इधर इधर है जी। नहीं पा कह रही है इसको हम जीरो करते हैं जी। 7000 को जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, इसको हम मान करते हैं, है ना। अब फिर बाकी कौन करते हैं, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल 10, है ना? That look a bit better, तो भाई at least हमें वो अल्फाबेट जो के ज़्यादा दफा आ रहा है, उसको जो लेंथ मिलनी चाहिए वो छोटी मिलनी चाहिए। Does it make sense? All right. अच्छा, very nice idea, है ना? Can you come up with some other? एक अंडे काटे हो सकता उसको, ये उसने ना बड़ा ही बड़ा मशहूर प्रोफेसर, ये उसने एक्चुअली इसमें बड़ी स्टोरी बनी। तो ये था कि उसने ना ये एक पहली कंपटीशन उसने बनाया, ठीक है, तो वो ही केम अप विद ए नाइस टेक्निक, और वो एक और टेक्निक तो बता दूँ, वो एक्चुअली यही टेक्निक जो अभी नई बार बनाई। सबसे पहले तुम ऐसा करो कि उसको बिट्स असाइन कर दो जो कि सबसे ज़्यादा दफा, ठीक है, उसको सबसे मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स असाइन कर दो एंड सो ऑन। अच्छा, उसको प्रीफिक्स फ्री कैसे करना है मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, उसके लेकिन जब भी आप एल्गोरिथमिक चीज बनाते हैं तो अभी आप एक आदत नहीं पड़ी, जो कि सैड बात है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत आगे आ डालने की कोशिश की भी है कि आप भी फॉर एग्जांपल कोई भी ग्रीडी अप्रोच लेते हैं या कोई भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच लेते हैं या कोई भी रिकर्सिव अप्रोच लेते हैं या इवन डिवाइड करने की अप्रोच लेते हैं, आप उसे प्रूव कर कि मैंने जो उसकी करेक्टनेस है उसे प्रूव कर, ठीक है, उसने अलग बना लिया लेकिन उसकी करेक्टनेस का प्रूफ नहीं, ठीक है। ही गेव दिस प्रॉब्लम टू हिज स्टूडेंट्स के भाई ये प्रॉब्लम है, ये सोचना सीखते हैं कैसे, उसको खुद इसका प्रूफ दिया, ठीक है। अच्छा, उसके स्टूडेंट ने उसका स्टूडेंट था सिखाना, ठीक है, ही केम अप विद अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, और उसका दूर कैसे एंड दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ फॉर फाइल का क्वेश्चन, ठीक है, वो इसके एन अपोजिट चलता है। एन अपोजिट क्या मतलब है, छोटी सबसे जिसकी सबसे सारी फ्रीक्वेंसी होती है ना उसको पहले वो एक काम करता है, वो ये कि ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी था इनमें से क्या काम करता है, कहता है इनमें से जिनकी सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है दो वो उठा दो, कौन कौन से हैं, ए है और बी है, ऐसी है ए है और बी है, वो ए को उठाता है और बी को उठाता है, ठीक है। इन दोनों को वो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी उठाई थी, कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 90 मतलब उसने अभी आपसे मैं सवाल करना है, कौन देख के आपने कहा आपने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया। अच्छा, आपने इन दोनों को उठाया, इन दोनों को एक एक और लेटर से रिप्लेस कर दिया या एक और वर्ड से रिप्लेस कर दिया और इसका नाम रख दो फॉर एग्जांपल जी जी नाम, ठीक है, जी वन नाम, ठीक है, जी वन क्या, जी वन मेरा एक और लेटर, ठीक है, इसके मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ऐड करके इन दोनों को ऐड, ये 19 पर 15 कितना होगा, ठीक है,
अब फिर मैं कहता हूं कहता है इमेज करो ये दोनों बैक में और इसी जगह पता क्या आ गया ये z1 आ गया और z1 की वैल्यू कितनी है 34 ठीक है कहता है रिपीट दिस प्रोसेस सर बेस की बात सी उठाएंगे और सी बात सी उठा के साथ में उठाएंगे z1 z1 ठीक है जी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कम है 34 की 34 लेफ्ट पे जाएगा ठीक है फिर वो क्या करता है 200 मिनट तो राइट पे रखता है और इन दोनों को मोबाइल ठीक है इन दोनों को से मर्ज किया और जो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी वो पता क्या लिखी है ये क्या है सी सी की फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 और इसकी फ्रीक्वेंसी पता कितनी होगी 234 और जो इसका लेटर हो जाएगा वो कितना होगा सॉरी लेटर करता हूँ जी टू और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी 334 और ऑफ कोर्स अब ये भी लेटर चला गया और ये लेटर भी चला गया इसी जगह क्या रिप्लेस हो गया जी टू रिप्लेस और जी टू की फ्रीक्वेंसी कितनी है 234 और इसी बात को अगले दो लेटर कौन से होंगे E और E और Z2 चलें E E की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6000 और ये रिप्लेस हो जाएगा बाय Z3 और Z3 क्या हो जाएगा ये और ये Z3 है Z3 की फ्रीक्वेंसी 6234 ओके 6234 उसके बाद क्या करता है उसके बाद ऑफ कोर्स ये दो ही रह गए ये उठाया उसने इसमें क्या है जी डी है 7000 और क्या है और 6 ये है हमारी लास्ट इसमें आ गया ठीक है और ये कितना हो जाएगा 13234 Okay. Now here is something. तो ये मैंने tree बनाया है. ये हमने ये काम करने से क्या हुआ? ये tree बन गया ना? अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया. अभी तक आया है. ये बताइए क्या काम किया? तो ये उसके बाद जो हमने ने काम किया वो बहुत ही खूबसूरत था. Can you guess क्यों क्या उसने? ना. मुझे पता है बड़े उछले उछल रहे हैं. Can you guess कि उसने क्या किया? अहमद से 0 वाला सेंटर शुरू कैसे इनमें से एक को 0 सेंटर पे एक को बड़ा ऊपर इसको 0 से लेफ्ट पे हम 0 कर देते हैं इसको हम मान लेते हैं इसको हम 0 कर देते हैं इसको मान लेते हैं 0 कर देते हैं 0 कर देते हैं हां एंड वी हैव फाउंड द एन्कोडिंग एंड दैट एन्कोडिंग इज प्रीफिक्स That encoding is prefixful. Can you tell me why? First thing you have to prove कि ये जो encoding हमने की है, क्यों prefixful? क्यों prefixful? हमने prefixful ही कराने थी ना हर, है ना? हम जिस जो जो भी encoding बनाना चाह रहे हैं, हम of course वो prefixful ही बनाना चाह रहे हैं। ये encoding जो भी हमने बनाई है, ये जो encoding हमने बनाई है, जिसमें A को D को क्या assign हुआ है? encoding prefix क्या कोई ऐसा कोड है जो दूसरे के अंदर
पूरा का पूरा शुरू में आया, शुरू में आया, शुरू में जीरो आ गया, ऐसे नहीं आया हां, शुरू में जीरो आ गया ना, और मेरे पास कोई सिंगल जीरो नहीं है, ये वजह है मैच कर सकता, ये वजह है, एक बहुत बड़ी और वजह है सर, जितने भी मैंने कहा कोई भी ऐसा आपको आपकी किसी कोई भी एक कोडिंग ऐसी नहीं होगी, कोई भी कोडिंग ऐसी नहीं होगी जो दूसरी इनकोडिंग के शुरू में आ एंड में आ सकती है, शुरू में नहीं आ सकती, प्रीफिक्स फ्री, प्रीफिक्स फ्री का मतलब है शुरू में कोई इनकोडिंग नहीं, शुरू मसला ये आता है कि हमें हमें जब भी कोई वर्ड मिलेगा वो शुरू में मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मुझे कि ये वर्ड है ये है ना जी, बताए एम्बिग्युटी को रिमूव करा था ना हमने, वो एम्बिग्युटी दिस इनकोडिंग इज एम्बिग्युटी फ्री, दैट्स द होल पॉइंट, वी हैव टू प्रूव दिस जी, पहला काम है हमें प्रूव करना है कि ये एम्बिग्युटी फ्री है, क्यों बताएं, सवाल क्या है पहले तो दूसरे वाले की इनकोडिंग के शुरू में नहीं था, ये शुरू में आ गई तो फिर कंफ्यूज है ना, पहले जो हमने इनकोडिंग की थी जो साइन किया था क्या पहले एक हमने साइन किया जीरो और फिर हमने साइन किया वन और फिर साइन किया वन, मसला ये है कि अगर अगर एक फाइल में लिखा हुआ वन जीरो तो जब मैं वन रीड करता हूँ तो मैं मुझे नहीं पता कि ये वाली वाला लेटर है, अगर मैं वन जीरो रीड कर रहा हूँ मुझे ये नहीं पता लगता कि मैंने ये लेटर पूरा आया है ये और ये दो लेटर नहीं, ये बात है, दिस इज नॉट द ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एक इनकोडिंग दूसरी इनकोडिंग के शुरू में कंप्लीटली नहीं आ सकती, दैट्स द होल कंफ्यूजन, ये शुरू में हो रहा कि एक इनकोडिंग दूसरे के पूरे शुरू में नहीं आता, अगर शुरू में आ जाएगी तो मसला क्या होगा कि वो कंप्लीट हो गया लेकिन अपने डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई कि ये अगर किसी के मैं रीड करता हुआ जा रहा था और पूरा ए मैंने जितने भी लेटर्स रीड किए हैं और मुझे पता लगे ओए ये लेटर बनता है तो मुझे इमीडिएटली कंफर्मेशन के साथ ये बता देना चाहिए भाई यही लेटर है, ये नहीं होना चाहिए कि भाई अच्छा यार हो सकता है कि ये वाला नाम कोई और हो मुझे वहां पर वेट करना पड़ता, मैं ये नहीं कर सकता, ये बस मैं नहीं, जैसे ही एक लेटर का कंफर्मेशन हो जाएगी मैं उसी होती अनाउंस कर दूंगा ये लेटर, दैट्स द होल पॉइंट, तो वेरिएबल लेंथ की रीडिंग होगी और वेरिएबल लेंथ की रीडिंग, वेरिएबल लेंथ की रीडिंग होगी, दैट्स द मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट कि वेरिएबल लेंथ की रीडिंग होगी और बिल्कुल जनरेट चली आप चाहे आप चीनी मीनी जितनी मर्जी ले लो चीनी ठीक है वो मसला नहीं है, जिस मर्जी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स ले ना और कौन था सबकी गई सटरी के पास की ना 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 नाम राव तो कोई भी इनकोडिंग कंप्लीट जो है वो दूसरी इनकोडिंग में कंप्लीटली नहीं हो सकती, वजह पता नहीं क्यों हो जाता है, सारे अक्षरों को यहाँ हिस्ट्री को देखो सारे सर कर रहे हैं।